नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आई है पहली, जहां स्मृति ईरानी के मदीना पहुंचने पर बढ़ा विवाद। मुस्लिम देशों ने आखिर क्यों सऊदी पर फूटा गुस्सा? वहीं क्या वाकई में स्मृति ईरानी को मदीने के अंदर नहीं घुसने दिया गया है? और क्या स्मृति के पहनावे से क्यों नाराज हैं मुस्लिम देश? पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है? और सऊदी अरब को लेकर स्मृति ईरानी की इस पहनावे और मदीने जाने पर क्यों मचा है विवाद? दूसरी खबर में बताएंगे बिल्किस बानो के सभी दोषी फरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल उन्हें जेल में ठूसो, लेकिन आखिर क्यों जो है वो मच गया है विवाद, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर में बताएंगे मणिपुर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी मोदी सरकार, एक बार फिर से दंगा। जी हाँ, मणिपुर में भड़क गई हिंसा, क्या ग्रहण लग सकता है? बताएंगे इम्फाल से निकलने वाली यात्रा, वहीं दिल्ली में चल रहा है बुलडोजर। बड़ी खबर सपा रालोद की बैठक शुरू, लखनऊ में अखिलेश यादव का क्या कुछ है ऐलान? एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, फिलहाल सीट शेयरिंग पर बन गई है बड़ी बात, कोई फूट नहीं है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विज़र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल गई है स्मृति ईरानी के मदीना पहुंचने पर मचा बवाल। मुस्लिम देशों ने कहा पहनावे पहना करके इस तरीके से कैसे? सऊदी अरब ने दी इजाज़त, मदीने में घुसने नहीं दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें भारत के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थे। इस दौरान वो मदीना भी गई और वहाँ हज की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के कुछ सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की और जेद्दा में आयोजित उमरा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस विजिट की स्मृति ईरानी तस्वीरें एक्स पर शेयर की और बताया कि वो मदीना की पवित्र अल मस्जिद अल नबी और कुबा मस्जिद के बाहर परिसर तक गई हैं। कुबा मस्जिद को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है और इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622वीं ईस्वी में की थी। लेकिन आपको बता दें अब इन्हें अंदर ना जाने देने पर जो है वो विवाद मच गया है। कुछ लोगों का कहना है कि आखिर अंदर ही स्मृति ईरानी को नहीं घुसने दिया गया, लेकिन सच्चाई असल में ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो नियम ही है कि गैर मुस्लिमों को यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता है। लेकिन जो है वो सऊदी अरब ने फिलहाल इस चीज़ को 2021 में नियमों में थोड़ा बदलाव किया था और गैर मुस्लिमों को सिर्फ बाहरी परिसर तक जा सकते थे, यानी अभी तक वहाँ पर जो है वो गैर मुस्लिमों की एंट्री कुबा मस्जिद के आसपास भी मनाही थी, लेकिन 2021 में इसमें नियमों में बदलाव करके गैर मुस्लिमों को बाहरी परिसर तक जा सकते थे लेकिन अंदर उन्हें इजाज़त नहीं थी। तो इस तरीके से स्मृति ईरानी को बाहर उन्हें जाया गया क्योंकि वहाँ का नियम है। लेकिन अब उनके पहनावे पर विवाद हो गया है। पहनावे को लेकर के पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों का कहना है कि यहाँ पर सर पर पल्लू तक भी नहीं डाला है, यानी घूंघट भी नहीं है, और स्मृति ईरानी को कैसे जाने दिया गया? पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की वेबसाइट ने स्मृति ईरानी के पहनावे पर सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो है वो एक हिंदू डेलीगेशन गए हैं जो उनके सांप्रदायिक रुख को दिखाता है। यही नहीं, उन्होंने लिखा है कि ईरानी के नेतृत्व में पहली बार कोई गैर मुस्लिम डेलीगेशन मदीना गया है और उसने इस्लाम के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया। डेलीगेशन में दो महिलाएं थी जिन्होंने साड़ी और सलवार कमीज पहन रखी थी। इन लोगों ने सिर भी नहीं ढके थे। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने माथे पर बिंदी लगा रखी थी और इसके अलावा मंत्री बी मुरलीधरन ने धोती और भगवा कुर्ता पहन रखा था। इस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने स्मृति के दौरे को लेकर के जो है वो गुस्सा भी जाहिर किया। हालांकि अब ये खबर निकल के आई है कि वहाँ के जो नियम और कानून हैं इस वजह से जो है वो वहाँ उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया है, लेकिन इस डेलीगेशन को लेकर के लगातार विवाद है। अगली एक और अपडेट, बिल्किस बानो केस के सभी दोषी लापता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया वापस जेल भेज जाने का आदेश। जी हाँ, बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषी फिलहाल लापता हैं। खबरों के मुताबिक 11 से कम से कम 6-9 दोषी फिलहाल अपने घरों पर नहीं हैं और ना ही उनके बारे में किसी को कोई जानकारी है। सोमवार को इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद जब कुछ मीडिया वाले गुजरात के दामोह में दोषियों के गांव राधिकापुरा और सिंगवाद पहुंचे तो वहां उनके घरों के दरवाजों पर ताले लटके मिले। बिल्किस बानो केस में 11 में से 9 दोषी लापता हैं जिनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए वापस जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें इन दोषियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया गया था। तो गुजरात दंगों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उन्हें दोषियों को जो है वो जेल में भेजने, उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजने का आदेश दिया, तो अब वो लापता बताए जा रहे हैं। अब सरकार गुजरात की कितनी एक्टिव होकर उन पर पकड़ती है ये तो वक्त बताएगा। अगली एक और अपडेट, राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा पर लग सकता है ग्रहण, मणिपुर में फिर भड़के हिंसा।
जी हाँ, बड़ी खबर। जहां मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरो में हिंसा की ताज़ा घटना घटी और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की देशव्यापी भारत जोड़ो नई यात्रा पर गहन लगता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी के कारण मोरेह में स्थिति गंभीर बन गई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने स्थिति गंभीर को स्वीकार करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर गहन विचार चल रहा है। हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं, उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। मोरेह में हालिया गोलीबारी सोमवार सुबह ही उग्रवादियों ने शहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने हमले के दौरान मोर्टार गोलों के इस्तेमाल की सूचना दी। हालांकि दोनों तरफ से किसी तरीके के हताहत नहीं हुए। अगली कोर अपडेट, दिल्ली वाले सावधान, 700 से ज़्यादा अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने बना डाला प्लान। दिल्ली नगर निगम ने अगले 3 सप्ताह में 700 से अधिक अवैध निर्माण हटाने की योजना तैयार कर दी है। जनवरी में जब तक 243 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें निजी कृषि भूमि और अन्य जगहों पर किए गए अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया है, साथ ही 300 से अधिक संपत्तियों को भी सील किया गया। हालांकि इस कार्रवाई पर पीड़ित लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ मिलकर मंगलवार को 40 से अधिक जगहों पर अवैध निर्माण को कराया है। इसमें बुराड़ी में लगभग 5400 गज निजी कृषि भूमियों पर अवैध निर्माण को हटाया गया। यहाँ पर कई प्लॉटों की चार दीवारी और सड़क को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त कादीपुर वार्ड के स्वरूप नगर में मलका गज वार्ड मंडी इलाके में भी कार्रवाई की गई है। अगली एक और अपडेट, दिल्ली में कांग्रेस के 7 सीटों पर सपा रालोद की बैठक शुरू। लखनऊ में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां, दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीटों पर अंतिम फैसला कभी भी हो सकता है। मंगलवार की शाम एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस, सपा और रालोद की बैठक शुरू हुई तो दूसरी तरफ लखनऊ में विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने सीटों की संख्या को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने संकेतों में विधायकों को बता दिया है कि कांग्रेस और रालोद को यूपी में कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी और इसके साथ ही अखिलेश ने मायावती को लेकर भी पार्टी नेताओं और विधायकों को नसीहत दी है। कहा है कि वरिष्ठ नेता उनका सम्मान होना चाहिए और उन्हें लेकर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं करने की हिदायत भी दी है अखिलेश यादव ने। तो ये सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने अपने विधायकों की बैठक में कहा है कि मायावती बहुत वरिष्ठ हैं और उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो ये हिदायत दी गई है। और खबर निकल के आई है कि आने वाले समय में लगभग सीटों को बंटवारा कन्फर्म हो सकता है और गठबंधन इंडिया में मायावती शामिल भी हो सकती हैं। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय, संजय राउत ने किया ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन ने दल हर राज्य में बैठक कर रहे हैं और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में सीटों की बंटवारों को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उनने आगे कहा है कि सीट शेयरिंग में हमारे में कोई मतभेद नहीं है, सभी सीटों पर बात हो गई है और हम सब की उन पर सहमति हो गई है, आंकड़े बाद में बताया जाएगा। संजय राउत ने साथ ही यह भी ऐलान किया है कि वंचित अघाड़ी से बातचीत चल रही है। वंचित अघाड़ी इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के सदस्य रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, दोस्तों जहां जायज थी कार सेवकों पर गोलीबारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, मच गया तहलका। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को उन्होंने जायज़ ठहराया। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व कहा। मौर्य ने कहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर घटना घटी तब वो बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तत्कालीन सरकार यानी मुलायम सिंह सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी और वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें 1990 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था और भारी संख्या में साधु संत और कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, तो मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, इसलिए वो राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। लेकिन अब जो है वो खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि उस वक्त कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें एज अ मुख्यमंत्री ये करवाना पड़ा, जो कि कानून और सर्वसम्मत के हिसाब से ठीक था। किसी तरीके से वो सांप्रदायिकता
हावी नहीं होने दिया यहाँ पर, और ये चीज़ें जो है वो जायज़ थी, और यही कारण ही कि अब एक बार फिर से इससे कहा जा रहा है कि सपा की मुश्किलें बढ़ेगी। क्या इस बयान से वाकई में सपा की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर उन्होंने सच्चाई की? आप अपने सुझाव देना न भूले। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।